सड़क के नल के पास औरत सारे बहस कर रहे होते हैं, हवा में मटके उड़ रहे हैं। तुझसे पहले तो मैं आई। आहा, तुझसे पहले मैं आई। अरे रुको, तुम चूल्हे पे दाल पक रहा है, एक मटका पानी तो लेने दो। अरे तुम रुको, वहाँ झूले में मेरा बेटा रो रहा है। अरे निकलो, तुम्हारी कहानियाँ। चूल्हे पे दाल पक रहा है तो मैं क्या करूँ, और झूले में बच्चा रो रहा है तो मैं क्या करूँ। ऐसे उन दोनों औरतों को बगल में धकेल कर तीसरी औरत नल के पास आकर उसका मटका भर देती है। इतने में वही बगल में आमने सामने घरों में रहने वाले मंदाकिनी और मंगतायरू उनके अपने अपने मटके लेकर वहाँ आते हैं। एक दूसरे को देखते ही वो दोनों गुस्से से लाल हो जाते हैं। मंगतायरू और मंदाकिनी दोनों सास बहू हैं और दोनों एक ही घर में रहते थे। मंदाकिनी मंगतायरू से बहुत लड़कर उसके पति को मनाकर अपनी सास के घर से बाहर आ जाती है। दोनों का अतीत उनके सामने आता है। एक मटका पानी लाने के लिए इतना नाटक करती थी, जब भी कुछ काम बोलूं यहाँ दुख रहा है वहाँ दुख रहा है कहती थी, और अब देखो मेम साहब सुबह ही उठकर मटका में पानी भरने नल के पास आ रही है। सुबह उठते ही सारे पकवान को भैंस की तरह खाती रहती है, चीजों को यहाँ से वहाँ तक नहीं लगाती है, लेकिन अब देखो भैंस चल के आ रही है मटके पानी के लिए। ऐसे एक दूसरे को कोसते हुए वो दोनों नल के पास आते हैं। सबसे पहले मंगतायरू पानी के लिए उसकी मटका नल के नीचे लगाती है। लो आ गई भैंस, आते ही अपना मटका लगा दिया इसने नल के नीचे, जैसे इसका बाप का जागीर हो। ऐसे उसका मजाक उड़ाकर मंगतायरू की मटके को एक जोर का झटका देती है, बस मटका ऊपर उड़कर नीचे गिरता है। बापरे बापरे, कितनी घमंडी है ये, मेरे ही बेटे के पैसे खाते हुए मुझे भैंस कह रही है, और ऊपर से मेरे ही लटके को लात मारा तुमने। ऐसे कहते हुए मंदाकिनी की मटके को भी जोर का झटका देती है मंगतायरू। मैं तुम्हारे बेटे के पैसे नहीं खा रही हूँ, तुम ही मेरे पति के पैसे खा रहे हो। मेरे सारे बनाए हुए पकवान को सुबह से रात तक खाती रहती है तो भैंस की तरह ही दिखेगी ना। भैंस कही की मेरे ही मटके को लात मारती है, कितनी घमंडी है तू। मटके को ही नहीं, अगर मेरी सटकी ना तेरे को भी मारूंगी, समझी। हाँ हाँ जरूर मारेगी, इतनी घमंडी जो है। मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया तूने, मेरे घर से उसको निकाल दिया तूने, और अब मेरे ही घर के सामने रह रही है। सिर्फ तेरे बेटे को ही नहीं, तुझे भी तेरे घर से निकाल दूंगी, समझी। मुझसे पंगा लेगी ना, ऐसे ही होगा। तू तो जरूर करेगी, घमंडी औरत, बंदर मुंह वाली कही की। तुझे देखकर ऐसा लगता है कि भैंस को कपड़े पहनाए हैं, और तू मुझे बंदर कह रही है। भैंस कही की मुझे भैंस कह रही है, मुझे बंदर कह रही है। ऐसे वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ते लड़ते नल के बगल में मौजूद कीचड़ में गिर जाते हैं। ये सब दूर से देख रहे बाप बेटे दोनों एक दूसरे को देख हंस पड़ते हैं। मंदाकिनी घर में सारा काम करते हुए रहती थी, उसे देख मंगतायरू, क्यों बहू, लगता है कि नल में ना पानी खत्म हो जाएगा, जाकर तो मटके ले आ बेटी, ऐसे ऑर्डर देती थी मंगतायरू। मंदाकिनी के हाथों बनाए सारे पकवान खाते हुए वो हमेशा शिकायत करती थी कि इसमें नमक कम है और इसमें मिर्ची ज्यादा है, ये तो बहुत तीखा हो गया, ये तो बहुत मीठा है। उसके शिकायत सुनने के दो दिन बाद तक मंदाकिनी रसोई घर का मुंह भी नहीं देखती थी, रूठकर अपना मुंह लटकाती थी। तब चुपचाप मंगतायरू को ही सारे काम करना पड़ जाता था। जब मंदाकिनी सारा घर को साफ करके दो मिनट लेट जाती थी, तब मंगतायरू, घर के सामने रंगोली कौन डालेगा, तेरा बाप। ऐसे वो दोनों हमेशा बहस करते हुए लड़ते थे। संदीप ऑफिस से लौटते ही एक तरफ मंगतायरू और दूसरी तरफ मंदाकिनी दोनों उसको शिकायतें खूब सुनाते थे। ना अपने बीवी को बोलता था और ना ही अपनी माँ से कह पाता, अपने आप में बहुत निराश हो जाता था संदीप। बहुत दिन देखने के बाद अब उसके पास ताकत नहीं था। वो एक दिन अपने पिता के पास जाकर ऐसे कहता है,
पापा, मैं घर से अलग होने की सोच रहा हूँ। आपकी बहू भी मुझे हर रोज इसी बात के बारे में सताती रहती है। हाँ तो तुम सच में अलग हो जाओगे बेटा? तुम्हें क्या लगता है, अलग रहने से इन दोनों में ममता जाग उठेगी? ममता और प्यार भले ही बाहर ना आए, लेकिन इन दोनों को इतना तो समझ आएगा कि एक दूसरे के बिना अपने अपने घरों में अकेले रहते हुए, सारे काम अकेले करते हुए कितना मुश्किल है। अब दोनों को समझ में आना है ना पापा, कि अलग रहना कितना मुश्किल है। ऐसे कहता है। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभी के अभी कहाँ जाओगे बेटा? मैं कहाँ जाऊँगा, हमारे घर के एकदम सामने जो घर है उसमें किराए पे रहूँगा। ऐसे बाप बेटे दोनों ऐसी योजना बनाते हैं जिनसे सास बहु अनजान है। इन दोनों को सबक सिखाना तो छोड़ो, एकदम पागलों की तरह लड़ रहे हैं ये दोनों। ऐसे कीचड़ में गिरे सास बहू को देख उनके चारों ओर मौजूद सारे गांव वाले जोर जोर से हंसते रहते हैं। अब इन दोनों इसके बाद क्या करेंगे, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे।